दिग्रस नगर पालिका द्वारा आयोजित क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का शुक्रवार को शानदार शुभारंभ हुआ। इस समारोह में पहुंचे मान्यवर अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में यवतमाल, आरनी, दारवा, पांडरकवड़ा, पुसद, महगांव, निर्वनी आदि नगर पालिका के अधिकारियों सहित पालिका के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न नगर पालिका के अधिकारियों सहित दिग्रस के पूर्व राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और मान्यवरों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना दिग्रस नगर पालिका की मुख्याधिकारी माधुरी मडावी ने रखी। वही कार्यक्रम का संचालन आमिन चौहान सर ने किया। कार्यक्रम के समापन की घोषणा और आभार प्रदर्शन अनिल कवड़कर सर ने किया। इस स्पर्धा 9 फरवरी पासून तर 18 फरवरी पर्यंत राहणार आहे। आज क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, कबड्डी आणि रस्सीखेच हे सांघिक गेम्स होणार आहेत आणि संध्याकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि उद्या 10 तारखेला इतर गेम्स म्हणजे स्लो सायकलिंग, रनिंग, लिंबू चमचा, 3 पायाची शर्यत, पोत्याची दौड असे वेगवेगळे गेम्स आहेत ते उद्या होणार आणि उद्या सुद्धा उर्वरित आपण सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करतो आहे। सगळ्या नगरपालिकांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे। 11 तारखेला संध्याकाळी दुपारी 4 वाजतापासून ज्या सगळ्या स्पर्धा झालेल्या आहेत त्या स्पर्धाच्या विजेत्यांना आपण त्यांचा सत्कार म्हणजे बक्षीस देऊन त्यांचा सत्कार करणार आहोत आणि आज सर्वप्रथम ट्रायल म्हणून आपण इथे कबड्डीचा सामना आता घेतो। कबड्डीचा सामना घेण्याचं मागचं कारण सगळ्यांना माहिती आहे, कारण दिग्रस ही कबड्डीची पंढरी म्हणून ओळखली जाते। म्हणून माझं सगळ्यांना आवाहन आहे की सगळ्यांनी आमची आम्ही जे गेम्स पूर्ण जिल्हास्तरीय गेम्स इथे आपल्या दिग्रसमध्ये ऑर्गनाईज केला आहे त्याचा सगळ्यांनी आनंद घ्यावा आणि आमचा उत्साह वाढवा। थँक्यू, धन्यवाद। इस उद्घाटन समारोह के बाद अंजुमा स्कूल के मैदान पर आयोजित औपचारिक कबड्डी की मैच संपन्न हुई। नगर पालिका के कबड्डी खिलाड़ी और 7 स्टार कबड्डी टीम के बीच हुए इस बेहद रोचक मुकाबले में खिलाड़ियों सहित दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। इस कबड्डी मैच में बतौर पंच कबड्डी खिलाड़ी विजय कामले और अचिम सर ने जिम्मेदारी संभाली थी। इस समारोह में दिग्रस शहर के नागरिकों ने बतौर दर्शक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुल मिलाकर दिग्रस शहर में पहली बार नगर पालिका द्वारा क्रीड़ा व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ है जिसे दर्शकों का अभूतपूर्व समर्थन मिला है। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।